हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। पहचान है बेटा, इस काल की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आल शब्द आते हैं। रूल देखेंगे बेटा, रूल कहता है इसका कि आई बी यू दे, ये कर्ता बेटा बहुवचन के हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ हमारी आती है एम बी की फर्स्ट फॉर्म। आगे बेटा ही सी इट नेम, ये कर्ता बेटा एक वचन के हैं, इनके साथ आते हैं बेटा एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं। कहने का मतलब है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एकवचनकर्ता के साथ ऐसे ही एस लगा देते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपके सभी कर्ता लिखे हुए हैं। ऊपर वाले ये बेटा आई बी यू दे, ये बहुवचन के हैं। ही सी इट नेम, ये बेटा एकवचन के हैं। तो इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र बेटा सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म या एम बी में ही एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब देखते हैं एस कब लगानी है और ई एस कब लगानी है, ये वो देख लेते हैं। तो नोट में देखेंगे, नोट में है बेटा जो मुक्रियाँ हैं ओ सी एच डबल एस 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 एच एक्स पर समाप्त होती हैं उनमें ई एस लगाते हैं। क्वेश्चन बेटा ऐसे ई एस कब लगाते हैं, ऐसे ई एस बेटा एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं। और ई एस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे ये क्लियर देख लें। आपके सामने है यदि कोई मुख्य क्रिया इन शब्दों पर आकर समाप्त होगी तो उनमें ई एस लगाएंगे। तो देखो पहला है बेटा, पहली मुख्य क्रिया बेटा कॉल सी ए डबल एल, देखो दूसरी बेटा प्ले पी एल ए वाई, तीसरे बेटा रीड आर ई ए डी, चौथे बेटा राइट डब्ल्यू आर आई टी ई। अब देखो जी एल शब्द इसमें मिलना है कहीं नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया एस। वाई शब्द मिलना है नहीं है तो एस लगा दिया, डी नहीं है तो एस लगा दिया, राइट में ई नहीं है तो एस लगा दिया। क्लियर, ये शब्द मिल जाए तो ई एस लगाएंगे, ना मिले तो एस लाएंगे। देखो डब्ल्यू ए एस एच वॉश, वॉश माने होता है बेटा धोना, तो एस एच मिलना है, मिलना है तो क्या लगा दिया बेटा ई एस। टीच टी ई ए सी एच, सी एच इसमें देखो सी एच मिलना है तो क्या लगा दिया ई एस टीच एच। आगे वॉच सी एच मिलना है तो ई एस, डो ओ मिलना है तो क्या लगा दिया ई एस, गो गो का ओ मिलना है तो बेटा ई एस। कहने का मतलब है जब ये शब्द मिल जाए बेटा मुख क्रिया के अंत में तो हम ई एस लगाते हैं, यदि ना मिले तो एस लगाते हैं। वाक्य का कर्ता बेटा एक वचन का होना चाहिए तब यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा वह स्कूल जाता है, तो वह की अंग्रेजी में लिख दो बेटा ही। सुन लीजिए बेटा, हमारा वाक्य कितना भी बड़ा हो वाक्य को हम कर्ता लिखने के बाद पीछे से बनाते, वाक्य आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ही लिख गया, अब हम वाक्य के पीछे पहुंच गए, जाता है, जाता है कि अंग्रेजी बेटा गो। तो देखो जी इसमें ओ शब्द लग रहा है और वाक्य एक वचन का है तो ओ वाले ओ देखो मिल रहा है तो क्या लगा दिया बेटा ई एस, गोज। कहीं जाते तो टू लगाते हैं, टू स्कूल। आगे मैं स्कूल जाता हूं, मैं के अंग्रेजी बेटा आई लगा दिया, मैं करता क्या बेटा बहुवचन है तो जाता के अंग्रेजी बेटा गो, परंतु ये करता बहुवचन है तो इसलिए हमने ई एस नहीं लगाएंगे, गो टू स्कूल। आगे वह पुस्तक पढ़ता है, वह की अंग्रेजी बेटा हमने लगा दी ही। अब देखो वाक्य को पीछे से पढ़ता है कि अंग्रेजी बेटा रीड। अब देखो डी शब्द तो मिलना है, नोट में नहीं मिला तो क्या कह देंगे रीड्स पुस्तक के बेटा द बुक,
सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।